हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे एमसीएक्स क्रूड ऑयल लीजिंग। आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकता है और कौन सा डायरेक्शन बाय या सेल में आप जा सकते हैं, उसका ऊपर हम बात करेंगे। और इसका पिवट पॉइंट जानने के लिए आप हमारा वेबसाइट में जा सकते हैं, aliceblue.com। तो यहाँ पे आपको टूल्स ऑप्शन मिलेगा, टूल्स में आप अगर आएंगे तो नीचे में आपको पिवट पॉइंट मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको एमसीएक्स फॉरेक्स एंड स्टॉक्स का पिवट पॉइंट मिल जाएगा। और आपको अगर इंटरनेशनल इवेंट न्यूज़ पढ़ना है तो यहाँ पे आप एलाइज ब्लू वेबसाइट में आके आप देखेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लॉग। तो अगर ब्लॉग में क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेशनल इवेंट पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने ये कल देख सकते हैं, मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे, कल संडे था। तो यहाँ पे एक ब्लॉग मैंने दिया था, यहाँ पे द इंटरनेशनल मार्केट वीक क्या है, जो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ लास्ट वीक उसका ऊपर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 18 को डाला था, FIIs व्यूज ऑन इंडिया। तो इसका ऊपर भी पढ़ सकता है। जैसे आप को पता होगा इंटरनेशनल, जैसे यूके का जो सिचुएशन चल रहा है अभी, उसका ऊपर लिखा था। तो आप यहाँ पे ब्लॉग में जाके पूरा ब्लॉग और इंटरनेशनल इवेंट को भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये लिया मैंने एक जिंक शर्ट। तो जिंक पहले आप देख सकते हैं डेली। तो डेली आप जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये जो रेंज दिया था, रेंज का अंदर में चल रहा है। तो अभी भी जिंक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेली बेसिस ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है, अभी भी अप ट्रेंड प्लेस नहीं हुआ। जो ये करेक्शन दिया हुआ है तो देख सकते हैं, ये स्मॉल टाइम फ्रेम में ये अप ट्रेंड लिया हुआ है, राइट। अभी भी 200 मूविंग एवरेज का नीचे में ही चल रहा है। तो यहाँ पे कैसे आपको ट्रेड करना है, तो कभी जो ट्रेडर होता है वो लोग बोलता है मुझे इंटरडे करना है, इतना लॉन्ग चार्ट नहीं देखना, तो ऐसा नहीं होता है। तो पहले आपको क्या करना है, एक लार्ज डेली चार्ट में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन निकाल लेना चाहिए, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मार्केट है तो इसलिए मैंने दो डायगोनल लाइन डाला है। यहाँ पे देख सकते हैं एक डायगोनल लाइन डाला है यहाँ पे, तो प्रीवियस जो हायर लो लोअर हाई, राइट, लोअर हाई को कनेक्ट करके दो मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ किया। और डायगोनल लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 200 मूविंग एवरेज भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, ये लोअर लो लोअर हाई हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूअस ऊपर को भी नहीं जाता मार्केट, तो एक पॉइंट तक जाता है। तो उस पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट हमने क्या किया, अभी फाइंड आउट कर लिया, जैसे 189.36 दिखा रहा है। तो आप पकड़ लीजिए 190 राउंड फिगर आसपास या 189। तो हमें बाय लेना है तो ये रीजन तक ही बाय लेना है, ठीक है। इसलिए हमें क्या किया, ये एक रेजिस्टेंस लाइन हमने निकाल लिया जहां तक हम बाय लेगा, ठीक है। इसका आसपास हम बाय नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आने का चांसेस है। तो इसलिए आपको मैं रोज बोलता हूँ, जो रेजिस्टेंस का आसपास आप बाय करना बंद कर दीजिए। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, उसका ऊपर से बाय करना शुरू कीजिए। रिट्रेसमेंट करेंगे, बाय करेंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे, बाय करेंगे, रिट्रेसमेंट करेंगे, बाय करेंगे, ये होता है ट्रेडिंग का मेथड, ठीक है। तो इसलिए हमें रेजिस्टेंस ले लिया। तो यहाँ इसका नीचे हमें बाय जो करेंगे, यहाँ से करेंगे यहाँ तक, तो ये एरिया से हम बाय करना बंद कर देंगे। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से मार्केट चला गया, तो क्या करेंगे, जो मार्केट नीचे आएगा बाय करेंगे, यहाँ तक नीचे आएगा बाय करेंगे, फ्यूचर रेजिस्टेंस तक नीचे आएंगे बाय करेंगे, ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन निकाल लिया, तो हमें एंट्री कहाँ करना है। तो इसलिए मैं चौथा टाइम फ्रेम अभी इंटरडे में आ गया, ठीक है, इंटरडे एंट्री के लिए। तो मैंने 15 मिनट भी लिया। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर हाई हायर लो बना के मार्केट जा रहा है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है, तो मार्केट कहाँ बाउंस हो रहा है आप देख सकते हैं, ये 50 मूविंग एवरेज के आसपास आया, ये जो ग्रे कलर का होता है, ये ग्रे कलर जो होता है ये 15 मूविंग एवरेज और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर हमें मार्केट नीचे में मिल गया तो यहाँ से हम
बाय करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये हो गया जिंक। तो और हम देखेंगे अभी क्रूड ऑयल कहाँ पे एंटी करेंगे, जो क्रूड ऑयल है तो क्रूड ऑयल आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुआ 3818 में, मुझे लगता है आज क्रूड ऑयल थोड़ा गैप अप एटलीस्ट 20-30 पॉइंट का आसपास गैप अप में ओपन होगा, जिससे आप देख सकते हैं 38 का आसपास बाय होगा। ओपन होगा मार्केट, अभी अभी भी 6 मिनट बचा हुआ है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 20-30 पॉइंट ऊपर में मार्केट ओपन होगा, जो पहले हाई था ये उसका आसपास होगा। तो यहाँ पे हमें कैसे ट्रेडिंग करना है, तो इसको देखने के लिए हम पहले जाएंगे डेली में इसका मार्केट बिहेवियर। तो आई थिंक आपको याद होगा मैंने एक ड्रॉ किया था ये लाइन 3-7, अगर मेरा पहले पीबीएस वीडियो देखेंगे तो 3741 में तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से आप बाय करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो अभी बाय कहाँ करना है, इसलिए मैंने एक रेजिस्टेंस लाइन बना दिया है यहाँ पर 3964 तक, मुझे लगता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो बाय लेंगे तो यहाँ तक ही लेंगे, इसका आसपास से हम बाय क्लोज कर देंगे, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट आने का चांसेस रहता है। ठीक है, अगर इसको कंटिन्यू किया किया इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो फिर से हम बाय लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम अभी 15 मिनट में तो एंटी कहाँ करना है। तो जैसे ये बताया था ये रेजिस्टेंस लाइन, इसका ऊपर अगर बाई किया होता तो आप, मुझे लगता है आपको यहाँ से बाई किया होता तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको 70 पॉइंट आपको मिल जाता एक ही दिन में, विद इन 2 आवर में। ठीक है, तो हमें आज बाय कहाँ करना है, तो अगर बाय करना है तो मार्केट को पहले रिट्रेसमेंट करने के लिए दीजिए, अगर रिट्रेसमेंट नहीं किया तो इसका ऊपर में बाय ले सकता है, जैसे 40 का ऊपर, 38-40 का ऊपर से बाय ले सकता है। ठीक है, और मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज आसपास, अगर 50 मूविंग एवरेज 15 मिनट में आ गया तो मुझे लगता है ये 3780 के आसपास आप बाय ले सकता है, और एसएल इसका थोड़ा नीचे और रेजिस्टेंस का नीचे भी लगा सकता है, और टारगेट 1:2:2 लगा के आप छोड़ सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।